आदमी को मारे तो मर्डर, वायलेंस, और गाय को मारे, ये जानवरों की जान लेना बड़ा गुना है बनिस्बत वेजिटेबल्स की। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट आज कासिम लाहौरी। सबसे पहले मैं सबसे स्पष्ट करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे ट्विटर का, इंस्टाग्राम का और हमारे फेसबुक पेज का। तो जैसा कि आपने देखा, आज हम बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वीडियो टोटली आपने देखना, आखिर तक देखने के बाद जो बंदा वीडियो को पूरी नहीं देखेगा उसको समझ नहीं आएगा, तो फिर वो गालियां या कुछ देख सकता है। वीडियो देखते हैं। एक मौलवी है, उन्होंने फतवा दिया कि ये हर चीज में गौमूत्र डाल देते हैं और मुसलमानों के लिए गौमूत्र हराम है। मुसलमानों के लिए भी उनके मजहब में लिखा हुआ है कि गोमूत्र एक औषधि है, कुरान में लिखा हुआ है। आदमी को मारे तो मर्डर, वायलेंस, और गाय को मारे तो वो ह्यूमन राइट। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब ने पूछा है पहले कि कौन सा मजहब है जो मासूम जानवरों को कत्ल करने की इजाजत देता है। फिर उसने कहा कि इस्लाम में आप जानवर का कत्ल करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, हिंदू धर्म में इसकी मुमानियत है। आपका सवाल है कौन सा मजहब। पहले मैं इस्लाम का जिक्र करूंगा, बाद में इंशाअल्लाह दीगर मजहब का भी जिक्र करूंगा। जहां तक के इस्लाम का सवाल है, एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बनके भी। इस्लाम में जरूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, फर्ज नहीं है। और आप जानते हैं कि यह हमारा दूसरा कॉन्फ्रेंस है इस बड़े मैदान में, सुमैया ग्राउंड में। लास्ट ईयर ये सुमैया ट्रस्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। एक हफ्ता पहले कॉन्फ्रेंस के पहले कहा कि हम नॉनवेज में नहीं मानते, आप नॉनवेज इस मैदान पे सर्व नहीं कर सकते। हमने कहा कि हम 9 महीने पहले बुक कर चुके हैं, एक हफ्ते पहले आप बोलते ऑलरेडी स्टॉल दे चुके हैं, ये नामुमकिन है। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात रखी और लास्ट ईयर हमें नॉनवेज खाने की इजाजत दी। इस साल जब हमने बुक की, पहली शर्त लगाई कि इस मैदान में नॉनवेज सर्व नहीं होगा। हमने कहा ये आपका ख्याल है, हम आपकी ख्याल की इज्जत करते हैं, क्योंकि इस्लाम में नॉनवेज खाना फर्ज नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे फूड कोर्ट में भी नॉनवेज सर्व नहीं कर रहे। हमारे जो मुकर्रीन हैं, इस्लाम के विद्वान हैं, उनको भी हमने कहा, हमने माजरत चाही कि इस ग्राउंड पे हम आपको नॉनवेज नहीं सर्व करेंगे, क्योंकि ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। आपका सवाल, जैसे मैंने कहा कि मुसलमान को नॉनवेज खाना फर्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुबहाना व ताला ने हमें इजाजत दी है, कुरान मजीद में लिखा है सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है, 4 पांव के जो आपके लिए हलाल है उसको आप खा सकते हैं। लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं। ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी, कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं। जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुबहाना व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं। आज की साइंस ये कहती है के वेजिटेबल्स में टोटल प्रोटीन नहीं है। हमारा जो जिस्म है, इंसानी जिस्म, इसके अंदर 8 अमाइनो एसिड्स नहीं बनते। 8 अमाइनो एसिड्स बाहर के फूड, बाहर के खाने में आना जरूरी है। कोई भी वेजिटेबल दुनिया में नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद है, लेकिन नॉनवेज फूड में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई नॉनवेज फूड में सारे अमाइनो एसिड जो जिस्म नहीं पैदा करता है, इसे कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद है, इसे कहते हैं टोटल प्रोटीन। आज की साइंस ये कहती है कि नॉनवेज फूड इज न्यूट्रिशियस, इट इज फुल ऑफ प्रोटीन। और हम जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हर्बीवोरस एनिमल को देखते हैं,
गाय, भेड़, बकरी ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं। जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ, इनके चपटे दांत है। ये सिर्फ भाजी खा सकते हैं, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर, शेर बब्बर, चीता, हम देखते हैं इनके दांत को, जब देखते हैं इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ। ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए, हर्बिवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर खुदा, अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं, तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजीपाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजीपाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है, ये भाजीपाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि फिर हम भाजीपाला खाए, तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्ट सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। गोश्त से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मजहब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मजहब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है, भाई साहब आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। God has created some animals to eat and some to be eaten. अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। If you are eating the animals who God has created to be eaten, you are not doing a sin. आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में, अध्याय नंबर 5 में, मंत्र नंबर 40 में, कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए, अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं, तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में, कि जानवर का कत्ल करना जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं, वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था, वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्म कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजीपाला देंगे तो हमारे बाप दादा एक महीने के लिए खुश रहेंगे, अगर आप मच्छी देंगे दो महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरण का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, माशाल्लाह बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे, और अगर गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है, क्या चाहते हैं बोलो, मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो। ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं,
हमारे घर में सब चीज खाने की इजाजत नहीं, सिर्फ वो चीज जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते। अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं। आप मेरा अगर एक डिबेट देखेंगे जिसका मौजू था इज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर ह्यूमन बींग, क्या इंसान के लिए गोश्त खाना हलाल है या हराम है। और मैंने डिबेट किया था एक जैन के साथ जिसका नाम था रश्मि भाई झवेरी, वो इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस का सदर था, प्रेसिडेंट था। वो दुनिया भर घूमता है बताने के लिए कि नॉनवेज हराम है, और उसने मुझे चैलेंज किया। मैंने कहा भाई आपस में बैठ के बात करेंगे, नहीं नहीं पब्लिक में चैलेंज किया, डिबेट करेंगे। मैंने कहा अच्छा बेल मुझे मार। तो मैंने कहा ठीक है भाई पब्लिक में। बोला मैं लोग को लेके आऊंगा। मैं बोला लेके आओ। तो पाटकर हॉल के अंदर 1998 में तकरीबन 10 साल पहले डिबेट किया, वो देखेंगे सारी डिटेल्स है। लेकिन हिंदू मजहब की किताब में ये लिखने के बाद कि गोश्त खा सकते फिर भी कुछ हिंदू शाकाहारी क्यों है, वेजिटेरियन क्यों, क्योंकि वो मुतासिर हो रहे थे बाकी फलसफे के साथ जिसमें कहा गया है नॉन वायलेंस, और कुछ जैन मानते का ईटिंग नॉन वेज इज हराम इज प्रोहिबिटेड। और हम जब पूछते क्यों जानवर का गोश्त खाना हराम है, तो वो कहते हैं कि घास और भाजीपाला के अंदर जिंदगी नहीं है, जानवरों में जिंदगी है। जब आप कोई जिंदगी लेते हैं किसी का कत्ल करते हराम है। आज साइंस तरक्की करने के बाद पता चलता है कि वेजिटेबल्स में भी जान है, भाजीपाला में भी जान है। तो वो जरा अपनी फिलॉसफी को तब्दील करते, ठीक है हम जानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, लेकिन वेजिटेबल्स डोंट फील पेन, वो दर्द को महसूस नहीं करते, जानवर दर्द को महसूस करते। इसीलिए वेजिटेबल्स खाना गुनाह नहीं है, जानवर को खाना गुनाह है। अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि वेजिटेबल्स को भी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द इंसान को सुनाई नहीं देता। वेजिटेबल्स भी अफसोस करते हैं, वेजिटेबल्स भी रोते हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। तो अभी उनका फलसफा बदल गया, वो कहते हैं अच्छा ठीक है मानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, वेजिटेबल्स को दर्द महसूस होता है, लेकिन वेजिटेबल के पास तकरीबन 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है। इसीलिए जानवरों की जान लेना बड़ा गुनाह है बनिस्बत वेजिटेबल्स की। मैं कहता हूं सिर्फ डिबेट के तौर पे, आर्ग्यूमेंट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं आपकी बात मानता हूं, क्या वेजिटेबल्स के 3 सेंसेस है और जानवर के 5 सेंसेस है। मैं उस शख्स से सवाल करता हूं कि मान लो आपका छोटा भाई गुंगा और बहरा पैदा होता है, वो सुन नहीं सकता है बोल नहीं सकता। जब वो बड़ा होता है तो एक इंसान आपके छोटे भाई का कत्ल करता है, क्या आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड इस कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन भी नहीं सकता था बोल भी नहीं सकता था। आप उल्टा कहेंगे मी लॉर्ड जज इस कातिल को डबल पनिशमेंट दो, डबल सजा दो, वो तो मेरा भाई मासूम था, बेचारा सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस कम या ज्यादा के वजह से कोई खाना हराम या हलाल नहीं होता है। जो चीज आपके लिए तैयब है वो आप खा सकते हैं। इसी तरीके से कई वजह, लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम मुझसे ये कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूं मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, आपको नॉन वेज पसंद नहीं है आप मत खाइए, लेकिन कोई नॉन मुस्लिम कोई गैर मुसलमान कोई हिंदू से कहता है कि आप जानवरों का कत्ल करते हैं वो गुनाह है, तो मैं उनसे कहता हूं इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूं। आप अगर गोश्त नहीं खाना चाहते हैं मैं आपसे खुश हूं। अगर हिंदुस्तान में सब गैर मुस्लिम गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर मुझसे कहते हैं कि गोश्त खाना गुनाह है तो मैं ये जवाब देता हूं
अभी आपको संतुष्ट हो चुका होगा कि साइंस के मुताबिक, आपके मदद की किताब के मुताबिक, कुरान के मुताबिक गोश्त खाने की इजाजत है सारे इंसान को। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।